আসসালামু আলাইকুম, আমন্ত্রণ জানাচ্ছি বিডিটিউব ইনফোটেনমেন্টের আজকের আয়োজনে। সাথে আছি আমি হাসানুর ইসলাম। কথায় আছে, নাচতে না জানলে উঠান বাঁকা। একই হাল হয়েছে ভারতীয় মিডিয়ার। জাজ ভাঙ্গা শিল্পে বাংলাদেশ ভারতকে পেছনে ফেলে পুরো পৃথিবীতে লিডার হয়ে গিয়েছে। বাংলাদেশের এই অর্জনকে অ্যাপ্রিসিয়েট করার বদলে বাংলাদেশের জাজ ভাঙ্গা শিল্পের উপর নানা মিথ্যা অপবাদ ও অপপ্রচার করতে ব্যস্ত ভারতীয় মিডিয়া। বাংলাদেশ জাজ ভাঙ্গা শিল্পে অঘোষিত লিডার। পোশাক শিল্পের মতো ভারতের জাজ ভাঙ্গা শিল্পকেও বাংলাদেশ টক্কর দিচ্ছে। বাংলাদেশের সাথে ভারতের জাজ ভাঙ্গা শিল্প প্রতিযোগিতায় টিকতে পারছে না। ফলে এক সময় ভারতে যে জাহাজগুলোকে ভাঙার জন্য পাঠানো হতো, এখন তা বাংলাদেশে চলে আসে। ভারতীয় মিডিয়া বলছে বাংলাদেশ জাহাজ ভাঙ্গা শিল্পে এগিয়ে, কারণ বাংলাদেশের অবকাঠামো ভালো নয়, লোকজনের কোনো কাজ নেই, আর তাই সস্তা শ্রমিক পাওয়া যায়। ভারতীয় মিডিয়ার এই অপপ্রচারের যথাযথ জবাব দিব ভিডিওর শেষ অংশে, তাই অনুরোধ করছি ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য। তবে তার আগে আসুন দেখে আসি বাংলাদেশের জাহাজ ভাঙ্গা শিল্পের আধিপত্য নিয়ে কি বলছে ভারতীয় মিডিয়া। आज बात करेंगे शिप्स की डिसमेंटलिंग के बारे में, जिसको लेके हम अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश से काफी पीछे छूट चुके हैं। शिप्स की रिसाइकलिंग या स्क्रैपिंग मार्केट में भारत के कुछ काफी बड़े कॉम्पिटिटर्स आज दुनिया भर में मौजूद हैं। चाइना और टर्की के अलावा भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश भी शिप रिसाइकलिंग इंडस्ट्री में भारत के कट्टर कॉम्पिटिटर्स माने जाते हैं। पर भारत का शेयर अब काफी तेजी से कम होता चला जा रहा है। शिप डिसमेंटलिंग या स्क्रैपिंग की वजह से दुनिया के कई देश अपने स्टील के इम्पोर्ट का बिल कम कर पाते हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि बांग्लादेश अपनी कुल जरूरत का 60% स्टील शिप की स्क्रैपिंग से निकाल लेता है। और आज बांग्लादेश भारत की शिप स्क्रैपिंग इंडस्ट्री के लिए सरदर्द बन चुका है। कुछ सालों पहले तक भारत हर साल 300 से 400 शिप्स की डिसमेंटलिंग कर पाता था, लेकिन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के सख्त होने की वजह से और इस इंडस्ट्री पर एक भारी टैक्स की मार की वजह से अब ज्यादातर शिप्स डिसमेंटलिंग के लिए बांग्लादेश भेजे जा रहे हैं। फाइनेंशियल एक्सप्रेस के आर्टिकल के मुताबिक शिप स्क्रैपिंग इंडस्ट्री में सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना काफी ज्यादा महंगा साबित होता है। भारत के सभी शिपयार्ड्स इन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं और जाहिर तौर पर इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना काफी ज्यादा महंगा पड़ता है। बांग्लादेश में ऐसे स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं होते। घनी आबादी, खराब इंफ्रास्ट्रक्चर, काम की कमी और सस्ती लेबर की वजह से बांग्लादेश में इन शिप्स को रिसाइकिल करने में उतनी कॉस्ट नहीं लगती जितनी भारत में लगती है। खैर, हमें लगता है कि बांग्लादेश को भी ऐसे सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का पालन करना चाहिए। दूसरा सबसे बड़ा रीजन जिसकी वजह से भारत में शिप्स की रिसाइकलिंग काफी ज्यादा महंगी पड़ती है, वो है मैरिटाइम बोर्ड्स द्वारा ज्यादा चार्जेस लिया जाना। भारत की मेजर शिप स्क्रैपिंग इंडस्ट्री गुजरात के अलंग में बेस्ड है और अलंग शिपयार्ड ओनर्स का कहना है कि गुजरात का मैरिटाइम बोर्ड हाउसिंग सेस और प्लॉट्स के रेंटल के नाम पे काफी भारी फीस वसूलता है। यही वजह है कि इतने सारे चार्जेस की वजह से रिसाइकलिंग कैपेसिटी डबल होने की बजाय पहले के मुकाबले आधी हो चुकी है। इतना सारा टैक्स देने के बाद भारतीय शिपयार्ड के पास काफी कम फंड्स बचते हैं, जिससे सही कीमत दे के कबाड़ शिप्स नहीं खरीदे जा सकते। यहाँ के शिपयार्ड ओनर्स का कहना है कि भारत के मुकाबले बांग्लादेशी शिपयार्ड्स पुराने हो चुके शिप्स की ज्यादा कीमत दे पाते हैं और यही वजह है कि आज की डेट में मेजॉरिटी शिप्स भारत की बजाय बांग्लादेश पहुंचाए जा रहे हैं। पूरी दुनिया में 92% शिप्स की स्क्रैपिंग एशिया में की जाती है और इनमें आज सबसे ऊपर बांग्लादेश ने अपनी जगह बनाई हुई। বাংলাদেশ জাহাজ তৈরি এবং জাহাজ ভাঙ্গা শিল্প দুটোতেই ভারতের থেকে এগিয়ে। বাংলাদেশের তৈরি জাহাজ ভালো কোয়ালিটির এবং দামেও সস্তা হয়, এ কারণেই বিভিন্ন দেশে রপ্তানি হচ্ছে। বাংলাদেশের জাহাজ ভাঙ্গা শিল্পের কোম্পানিগুলো জাহাজ ভেঙে স্টিল বের করার মাধ্যমে প্রচুর পরিমাণে অর্থ আয় করে, ঠিক এ কারণেই দামও বেশি দেওয়ার সক্ষমতা রাখে। বাংলাদেশে কোনো কাজ নেই, বাংলাদেশের জাহাজ ভাঙ্গা শিল্পগুলোতে নিরাপত্তার দিকে নজর দেওয়া হয় না, এগুলো অপপ্রচার ছাড়া আর কিছুই নয়। বাংলাদেশে কাজ না থাকলে 5 লাখ ভারতীয় কিভাবে বাংলাদেশে কাজ করছে, বাংলাদেশ কিভাবে ভারতের সর্বোচ্চ 10টি রেমিটেন্স আয়কারী দেশের একটি হয়ে উঠেছে, প্রশ্নটি রইল। আশা করি কমেন্ট বক্সে এর উত্তর দিয়ে দিবেন। ভুলে গেলে চলবে না, আন্তর্জাতিক রিপোর্ট অনুযায়ী বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় ভারতের তুলনায় বেশি। আজকের ভিডিও এ পর্যন্তই। পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি আজ। আল্লাহ হাফেজ।